किसी भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की सेना के हाथ रहती है। सेना जितना ही मजबूत होगा, देश उतना ही सुरक्षित होगा। दुनिया में कई देश हैं जो अधिक शक्तिशाली और मजबूत माने जाते हैं। हम आपको दुनिया के उन 3 देशों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ महिलाओं की सेना को सबसे शक्तिशाली और खतरनाक माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 पर है अमेरिका। अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और मजबूत देश माना जाता है। अमेरिका के दुनिया की किसी भी देश की तुलना में अपने रक्षा बजट पर अधिक पैसा खर्च करता है। आपको बता दें कि अमेरिका की सशस्त्रता सेना को दुनिया का सबसे मजबूत और खतरनाक सशस्त्रता सेना के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1942 में महिला सेना बल का संगठन किया था, जिसके बाद महिला सैनिकों ने कई बड़े बड़े ऑपरेशन भी किया है। नंबर 2 है रशिया। रूस की महिला सैनिकों को दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला सैनिक के रूप में जाना जाता है। रूस को दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश भी माना जाता है। वर्तमान में रूस के पास दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक परमाणु हथियार, और इसके अलावा रूस के पास कई बड़े बड़े घातक हथियार भी है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि सबसे बड़ी मिसाइल कहाँ है, तो नज़र में रशिया पहले स्थान पर है। सबसे लंबी दूसरी की रूसी मिसाइल SS-18 को, जिसका कोड नेम था शैतान है, जिसने 1880 के दशक की शुरुआत में सेवा में प्रसिद्ध किया, और इसके रेंज 12,000 किलोमीटर 7,500 मील है। वर्तमान में रूस के पास 1 मिलियन से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। रूस की महिला सेना अपनी ताकत और सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नंबर 1 पर है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, इजराइल देश तो सबसे छोटा है पर सबसे शक्तिशाली और खतरनाक भी है। इजराइल महिला सैनिकों को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला सैनिकों के रूप में जाना जाता है। इजराइल को दुनिया का एक शक्तिशाली और खतरनाक देश क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है, इजराइल में प्रत्येक नागरिक को सेना परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण इसराइल को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 2022 के बात करें तो 92,60,000 है, और इस देश में सैनिकों की संख्या लगभग 35,00,000 के ऊपर है, जिसमें महिला सैनिकों की संख्या लगभग 15,00,000 के करीब।